अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? बस स्टूडेंट, हमारी प्रीवियस लेक्चर भी रह गया था. हमारा लेक्चर वो नहीं था, वो उस पे प्रोडक्ट सोर्सिंग पे. तो आज ऑलरेडी हमारे 5-6 मिनट डिले हो चुका है. तो एज सुन एज पॉसिबल मैं आप लोगों को आज प्रोडक्ट सोर्सिंग करना सिखाऊंगा कि प्रोडक्ट सोर्सिंग किस तरह करते हैं. अच्छा, सबसे पहले तो जी, मेरी तबीयत ठीक है, मैं ठीक हूँ अलहमदुलिल्लाह, थैंक यू फॉर आस्किंग. अच्छा, सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को दो तीन चीज़ें क्लियर की थी कि एक तो आप लोगों ने सेलर्स फाइंड आउट करने होते हैं, वो सेलर्स जिनकी रेटिंग्स होती है less than 100. अच्छा, वो फाइंड करने की रीज़न क्या है? क्योंकि वो सेलर्स होते हैं जो न्यूली आए होते हैं अमेजोन पे, अपनी प्रोडक्ट्स लाइव करके बैठे होते हैं. तो उनके स्टोर से हमें मिलती हैं वो प्रोडक्ट्स जो कि हमारी अपने लिए यूज़ में आ सकती हैं. अच्छा, अब वो प्रोडक्ट्स हमने ढूंढनी है उनके सेलर्स के स्टोर फ्रंट से. ठीक हो गया. फिर मैंने आपको प्रोडक्ट ढूंढना दिखाई थी कीपा के थ्रू. आप लोगों का अब तो कीपा का इशू रिजॉल्व हो चुका है. कल इसका एक टेक्निकली इशू आया हुआ था बैकएंड से, जो कि मेरा खुद नहीं था चल रहा, लेकिन अब चल रहा है, असद ने ठीक कर दिया. अगर अभी भी किसी को कोई इशू हो तो वो कर सकता है बात असद से. अच्छा स्टूडेंट, अब जी, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, शुक्रिया शुक्रिया पूछने का. अच्छा स्टूडेंट्स, अब बेसिकली अच्छा प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करना आप लोगों को आ गया है. अच्छा, अब जो हमारी चीज़ है वो चीज़ है हमारी सोर्सिंग. सोर्सिंग क्या होता है जी? प्रोडक्ट को अब तलाश करना कि कहाँ से ये सस्ती मिल रही है, वो प्रोडक्ट जो अमेजोन पे अच्छी सेल हो रही है. ठीक है, तो चलें आज चलते हैं जी, एक प्रोडक्ट भी फाइंड आउट करते हैं आपके सामने. मैं प्रोडक्ट भी फाइंड आउट करूंगा एक सेलर्स के स्टोर फ्रंट से. ठीक है, और मैं जाऊंगा आज उसकी सोर्सिंग की तरफ. मैं स्टैट्स नहीं देखूंगा, जस्ट मैं आप लोगों को एक बताऊंगा कि सोर्सिंग होती क्या है, किस तरह फाइंड आउट करना होता है. अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूं, प्रोडक्ट्स जो होती है ना, अच्छी प्रोडक्ट्स, ठीक है, वो आप लोगों को सेलर्स के स्टोर फ्रंट से मिलेंगी. ये चीज़ को जो कीपा के थ्रू प्रोडक्ट्स मिलती है ना, उसमें से अगर आप देखें ना, तो वो 100 में से 2 या 3 या मैक्सिमम भी 5 प्रोडक्ट्स अच्छी मिलेंगी जो कि हमारे अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया और स्टैट्स होंगी. लेकिन जो अच्छी और 100 में से अगर मैं सेलर्स पाइंग बोलूँ ना, सेलर्स के स्टोर फ्रंट से, तो वो 100 में से आपको 20 to 30 प्रोडक्ट्स भी मिल सकती हैं. चलिए 20 भी छोड़ दो आप, 15 प्रोडक्ट्स आपको मिल सकती हैं 100 में से, आप जो अगर सेलर्स के स्टोर फ्रंट से फाइंड आउट करेंगे. तो बेसिकली कहने का मतलब यह है, कीपा के थ्रू ज्यादातर जो मेन काम होगा हमारा वो स्टैट्स देखना होगा. प्रोडक्ट हम कहाँ से फाइंड आउट करेंगे? अपने सेलर्स के स्टोर फ्रंट से. ठीक है, अच्छा चलें जी, हम चलते हैं आज अपनी एक प्रोडक्ट ढूंढकर. आज हम चलेंगे सोर्सिंग की तरफ. सबसे पहले जी गूगल ऑन करें. अच्छा, गूगल पे आने के बाद यहाँ पे आप आए amazon.com. एक्सटेंशन आप लोगों ने लगा ली थी जो मैंने आप लोगों को लास्ट एक्सटेंशन बताई थी? आप लोगों ने रकूटन, रिटेल मी नॉट, स्लिक डील, सी नेट, और एक ब्राउजर मैंने आप लोगों को लगवाया था, और एक और काम था. कोई बता सकता है एक और काम था, एक और टास्क था, वो क्या था? जी, लोकेशन चेंज करना. ओके, वेरी गुड, चलें ठीक है. ओके ओके, अब कोई भी मैसेज नहीं करेगा. मैंने जल्दी से आप लोगों को पढ़ाना है और सोर्सिंग की तरफ लेके जाना है. बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इट्स अ बैकबोन ऑफ बिजनेस. अगर हम कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो उसकी जो बैकबोन होती है वो हमारी सोर्सिंग होती है. सोर्सिंग मीन्स प्रोडक्ट को पीछे से बाय करना, कहाँ से ढूंढना, कहाँ से मिलेगी हमें वो. अच्छा चलें जी, मैं जाता हूँ जी बेस्ट सेलर्स में. यहाँ से जाके कोई एक प्रोडक्ट निकालूंगा, वहाँ से कोई ऐसा एक सेलर निकालूंगा. सेलर निकाल के उसमें से मैं एक प्रोडक्ट आप लोगों के सामने करके दिखाऊंगा और ढूंढ के दिखाऊंगा. ये थोड़ा सा आप लोगों का रिकैप भी हो जाएगा कि आप लोग दोबारा से देख रहे हैं. मैंने किचन एंड डाइनिंग कैटेगरी निकाली. इस कैटेगरी में से मैं क्या करता हूँ, एक सेलर निकालता हूँ, एक प्रोडक्ट निकालता हूँ, फिर उस प्रोडक्ट के सेलर. अच्छा, देखने को तो ये प्रोडक्ट भी हमें मिल जाती हैं, ये वाली जो आ रही होती हैं हमारी बेस्ट सेलिंग में, लेकिन ये अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया नहीं होती. कैसी नहीं होती, ये देखें यहाँ पे अब एक FBA सेलर है, ठीक है, और यहाँ पे अमेजोन तो बैठा है, लेकिन वो अमेजोन दूसरे वाला हो सकता है, यूज वाला भी. एनीवे वो तो हम अंदर जाके भी देखेंगे. ठीक हो गया. अच्छा, उसके अब ये एक प्रोडक्ट है, इसमें तो कोई सेलर है ही नहीं है, सिर्फ अमेजोन ही है. तो इसलिए
हमें थोड़ा सा डिटेल में अंदर जाकर देखना होता है। अब फॉर एग्जाम्पल जी, मैं ले लेता हूँ एक ये प्रोडक्ट मैं ले नहीं रहा हूँ, मैंने इसमें से सेलर्स लेने हैं, मैं प्रोडक्ट नहीं ले रहा हूँ, जस्ट मैं प्रोडक्ट को चूज़ किया और मैं इसमें से कोशिश, अब ये देखें ये वेरिएशन वाली प्रोडक्ट है, ठीक है, ये देखें ये वेरिएशन वाली कितने इसके कलर हैं, ये देखें ये कलर्स भी हैं और ये इनके साइजेस भी हैं, ये देख रहे हैं आप, साइजेस भी हैं इसके, कलर भी हैं, 20 OZ, 30 OZ, 40 OZ वाली ख़त्म हो चुकी हैं, 64 OZ, OZ मतलब इसके अंदर कितनी स्टोरेज, कितना पानी, कितना जूस, कितना मिल्क आ सकता है। अच्छा, उसके बाद किसी को कोई भी इशू आ रहा है, अभी मैसेज ना करें, मैं मैसेज नहीं देखूंगा ना मैं पढ़ूंगा, ठीक है, मैसेज कोई ना करें, फिलहाल सिर्फ जो मैं करवा रहा हूँ वो देखें। अच्छा, उसके बाद जी यहाँ से मैं एक सेलर निकालता हूँ, दो निकाल लेता हूँ, दो निकाल कर मैं उनमें से प्रोडक्ट ढूंढूंगा जो कि मेरे अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया होगी, मैं स्टैट्स नहीं अभी देखूंगा, मैं सिर्फ क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग देखूंगा। एक ये सेलर मैं निकालता हूँ जी, ठीक है, एक ये सेलर निकाल लिया, लेस देन 100 रेटिंग वाला है, FBA सेलर है, एक मैं सेलर और निकालता हूँ, ये देखें एक ये सेलर, मैंने दो सेलर निकाले जी। अब इसको अगर मैं पीछे से कैंसिल भी कर दूँ तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि मुझे सेलर्स मिल गए हैं दो, जिनकी मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे प्रोडक्ट्स मिल जाएं अकॉर्डिंग टू माइन क्राइटेरिया, और मुझे इंशाल्लाह मिल भी जाएगी। अच्छा, ये सेलर जी JNG FBA, मैंने इसको ओपन किया, इसका स्टोर फ्रंट, जैसे स्टोर फ्रंट ओपन किया, अब ये देखें, ये एक क्वेश्चन था, मैं वो भी यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, 1 of 16, रिजल्ट 40, इसकी जो प्रोडक्ट्स है ना टोटल वो 40 हैं, ये 1 of 16 का मतलब है पहले पेज पे 16 प्रोडक्ट शो हो रही हैं, कैसे पता चलेगा, नीचे आएंगे ना इसी के प्रोडक्ट्स के, ये देखें, अब पहले पेज पे 16 होंगी, ऑब्वियसली दूसरे पेज पे भी 16 होंगी, कितनी होगी, 32, और जो लास्ट पेज होगा उस पर होंगी 8, टोटल होगी 40, ठीक हो गया। तो ये जो आप लोगों ने जो लिखना होता है ना वो डाटा, एक वो होता है ये वाला 40। अच्छा, उसके बाद ही यहाँ से मैं निकालता हूँ कोई प्रोडक्ट जो मुझे, ये देखें अब इसमें FBA सेलर है ही नहीं है, इसको तो मैं इग्नोर कर देता हूँ। अच्छा, उसके बाद जी अब ये देखें, अब मैं क्या करता, इसको बारी बारी ये अंदर डिटेल में जाके देखता तो मुझे पहले ही पता चल गया इसका BSR मेरे आउट ऑफ रेंज है, प्राइस तो चलो ठीक है, बाकी FBA सेलर्स भी ठीक है। अब इसका BSR भी देखें, 70,000, और आर क्राइटेरिया इज डेट के BSR शुड बी अंडर 60,000। अच्छा, अब ये एक प्रोडक्ट है लेकिन इसकी प्राइस कितनी है, $7 है, मैं इसको भी छोड़ रहा हूँ यहीं पे। अब ये एक प्रोडक्ट है, इसका कितना BSR है, 91,000, दैट इज नॉट अकॉर्डिंग टू आर क्राइटेरिया, सो वी शुड लीव दैट। अच्छा, अब ये एक प्रोडक्ट मिली है जी, यहाँ हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग लग रही है, चलें जी इसको देखते हैं, इस प्रोडक्ट को, एक मैं कोई और भी निकालता हूँ यहाँ से, एक ये मुझे प्रोडक्ट मिल रही है जी, ठीक है, एक मैं इसको भी कोशिश करता हूँ, देखता हूँ। अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने ये एक प्रोडक्ट निकाली, मैं क्राइटेरिया आप लोगों को दिखाऊंगा तो नहीं, इतना तो आप लोगों को याद हो गया होगा, आप लोगों ने हिव्स करना होता है, क्राइटेरिया मुझे पता है तो आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि क्राइटेरिया है क्या। क्राइटेरिया हमारा है जी, मैं आप लोगों को बोल के बता देता हूँ, तो मुझे याद है ना, मैं देखूंगा कहीं से, सबसे पहले BSR होता है हमारा, ठीक है, अंडर 60,000, उसके बाद होते हैं जी हमारे रिव्यूज़ होते हैं, उसके बाद हमारी रेटिंग्स होती हैं, उसके बाद हमारी एक प्राइस भी होती है, अमेजोन नहीं होना चाहिए उस प्रोडक्ट में, ब्रांड नहीं होना चाहिए उस प्रोडक्ट में, उसका वेट अंडर 2 kg होना चाहिए, उसके अंदर कोई वेरिएशन नहीं होनी चाहिए, अगर हो भी तो 4 वेरिएशन होनी चाहिए, क्या यही है या कोई मैंने एक आधा छोड़ दिया है, यही क्राइटेरिया ना हमारा। अच्छा स्टूडेंट, ये देखें इस प्रोडक्ट का जी टाइटल है जी, ठीक है, ये टाइटल क्या है, ये देख रहे हैं, अब ये आ गया जी, इस प्रोडक्ट का टाइटल नेम आ गया। अब हम करते हैं जी, बिल्कुल वेरी गुड, एक स्टूडेंट का मैसेज आया कि मिनिमम FBA, मैंने सेलर्स वाला नहीं था बोला, आप लोग इसका मतलब है सही तरह से सुन नहीं रहे या फिर आप लोग जाग नहीं रहे, एक स्टूडेंट का जस्ट मैसेज आया है FBA मिनिमम 2, मतलब कि मैं सेलर्स को बताना भूल गया था कितने सेलर होने चाहिए उस प्रोडक्ट में, 4 सेलर होने चाहिए लेकिन मिनिमम 2 FBA सेलर होने चाहिए। अच्छा देखें, चलें जी देखते हैं इस प्रोडक्ट को, इसका BSR कितना है जी, बिल्कुल ठीक है, 33,161 है जी। अब ये देखें यहाँ पे इसके सेलर शो हो रहे हैं मुझे, ठीक है, तो
सेलर्स भी हमने देख लिए यहाँ पे भी, मुझे मैं वहाँ पे भी देखूंगा। अब ये देखें जी, ये ब्रांड का नाम है क्या है, CHI, ये थे पहला वर्ड भी, ये ब्रांड का नाम CHI ब्रांड का नाम हो गया। इसकी प्राइस हम लोएस्ट FBA सेलर वाली देखेंगे। लोएस्ट FBA सेलर वाले कौन है जी हमारे यहाँ पे, ये हैं जी लोएस्ट FBA सेलर, ये है, ये देखिए यही प्राइस है, बिल्कुल 27 जी इसकी प्राइस है, लोएस्ट FBA सेलर। ठीक हो गया, प्राइस भी हमारे अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया है। अच्छा, प्राइस आ गई, और उसके बाद जी हमने क्या देखना है, इसके सेलर्स यहाँ से भी देख लें, 19 सेलर हैं, ढूंढें जी इसके अंदर एटलीस्ट 2 FBA सेलर होने चाहिए, देख लेते हैं जी। एक ये FBA, सॉरी ये तो FBM है, एक ये FBA सेलर है, ठीक है। अच्छा, एक ये भी FBA सेलर, 2 हो गए, ये 3 हो गए, ये भी क्राइटेरिया मैच कर गया। आप देखते हैं जी इसमें अमेजोन और ब्रांड खुद तो नहीं है इन सेलर में, अमेजोन और ये ब्रांड का क्या नाम है, CHI। देखें जी सेलर्स के अंदर अमेजोन और ब्रांड तो नहीं है, नहीं इसमें ना अमेजोन है ना ही इसमें ब्रांड बैठा हुआ है। ये देखें, अगर हो भी ना अमेजोन और ब्रांड तो पहले 3-4 सेलर्स में ही मिल जाता है। ठीक हो गया जी, इसकी प्राइस भी ठीक है, इसका वेट देख लेते हैं जी, इसका वेट कितना है, 1.15 पाउंड्स, पाउंड्स इंटू ग्राम करो जी, पाउंड्स पाउंड्स इंटू ग्राम्स, ठीक है। किधर गया, अच्छा जी पाउंड्स इंटू ग्राम करो जी, इसका कितना था, 1.15, ठीक है जी, मतलब 521 ग्राम इसका वेट है। सर अमेजोन ब्रांड और लो प्राइस है, सेलर एड ऑन से भी देखने देखी मिल जाती है क्या, गए मुझे समझ नहीं आया, एड ऑन जो अगवाया वो लगाया हुआ ना, ठीक है, वो भी वहां से भी मिल जाती है, बिल्कुल यहाँ से भी हमें पता चल जाता है लोएस्ट प्राइस और अमेजोन वगैरह अगर बैठा हुआ है तो, जो हमने ये एक्सटेंशन लगाई होती है, ये जो सेलर्स एड ऑन एक्सटेंशन है ना, यहाँ से भी हमें पता चल जाता है कि अमेजोन तो नहीं बैठा हुआ और ब्रांड तो नहीं बैठा हुआ और लोएस्ट प्राइस क्या है। ठीक है, वेरी गुड, ये अच्छी बात की है आपने, ये देखें जी यहाँ से भी हमें पता चल जाता है लोएस्ट प्राइस और अमेजोन और ब्रांड तो नहीं है। ये देखें ये प्राइजेज है ना, FBA की लोएस्ट प्राइस क्या 27, देखें कोई 27 से कम बैठा हुआ है, नहीं है, मतलब 27 ही है। अच्छा, उसके बाद जी इस प्रोडक्ट का रेवेन्यू, ऑब्वियसली इस प्रोडक्ट का रेवेन्यू 15,000 तो जनरेट डॉलर कर ही रही होगी इजीली, मैं कह सकता हूँ, क्योंकि इसका BSR भी ठीक है, वो मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। हम चलते हैं जी स्टूडेंट इसकी सोर्सिंग की तरफ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जरा गौर से देखना इस चीज़ को। चले जी आते हैं जी इसकी सोर्सिंग की तरफ। सबसे पहले गूगल पे आए, लोकेशन चेंज करनी है आपने लाजमी, लोकेशन यहाँ से सर्च सेटिंग, सर्च सेटिंग में आने के बाद जी अदर सेटिंग, ठीक है, अदर सेटिंग के बाद लैंग्वेज एंड रीजन, ये देखें यूनाइटेड स्टेट्स मेरी ऑलरेडी लगी हुई है, एक चीज होगी। अब मैंने क्या करना है जी, इस प्रोडक्ट का उठाना है टाइटल, ठीक है। सबसे पहले लोकेशन चेंज करने के बाद मैंने VPN भी ऑन कर लेना है, VPN मेरा ऑन हो गया यूनाइटेड स्टेट्स की लोकेशन का, मैंने उठाना है जी इसका टाइटल। पहले गौर से देखें टाइटल को और प्रोडक्ट को, जरा गौर से देखें, अच्छी तरह देखें इसको, क्या लिखा हुआ है, CHI फॉर डॉग्स, ठीक है, ये एक डॉग ही लिखा है, डॉग्स ही लिखा हुआ है यहाँ पे, आई थिंक सो डॉग सा बना हुआ है, इसका नाम लिखा हुआ है जी ऑटमेल के नाम से शैम्पू है ये कोई, ठीक है। नीचे इसकी डिटेल अगर देखें हम तो, ये देखें जी इसकी ये डिटेल वगैरह, इस प्रोडक्ट को आपने अच्छी तरह देखना है, ठीक है, इसके रिव्यूज वगैरह ठीक हैं, इसकी रेटिंग वगैरह ठीक हैं, पिक्चर देख लीजिए, ठीक हो गया। अब इसका VPN ऑन करने के बाद इसका उठाना है आप लोगों ने टाइटल, टाइटल सारा कॉपी कर लेना है, कॉपी करके गूगल पे आना है, गूगल पे आके पेस्ट करना है और इसको सर्च गूगल कर देना है। अब जैसे मैंने इसको सर्च विद गूगल किया तो मेरे सामने ये वो वेबसाइट्स ओपन कर देगा जिस जिस वेबसाइट पे ये प्रोडक्ट अवेलेबल होगी, जिस जिस वेबसाइट पे ये प्रोडक्ट क्या होगी अवेलेबल होगी, और ये मुझे वो वेबसाइट दिखाएगा जो कि अमेरिका के अंदर होगी ना कि पाकिस्तान की। उसकी रीजन क्या है, क्यों मुझे दिखा रहा है, क्योंकि मैंने लोकेशन भी चेंज की है और मैंने VPN भी ऑन किया हुआ है। अब ये देखें जी
है, यहाँ पे भी दिखा रहा है, ये देखें, ये पेट मार्ट पे भी अवेलेबल है, JV.com पे भी अवेलेबल है, ये डोर एक डैश इस यहाँ पे भी अवेलेबल है, ये सियर्स पे भी अवेलेबल है, तो हम इनको भी देखेंगे और हम इसको भी देखेंगे यहाँ से। अमेजोन वाली को आपने छोड़ देना है जहाँ पे अमेजोन आ रहा होगा, क्योंकि हमने अमेजोन पे तो सेल करनी है, अमेजोन से बाय नहीं करनी, ठीक है। अब ये मैं ओपन करता हूँ जी, इनको बारी बारी है, किसको ओपन कर लेता हूँ, ये एक ब्रांड की अपनी वेबसाइट है, ब्रांड की देखें अपनी वेबसाइट्स भी होती हैं, वहां से भी हम ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। CHI बिल्कुल ब्रांड की ना वेबसाइट है, ऐसे ही है, इसको भी ओपन कर लेते हैं। ये एक पेट स्मार्ट के नाम से जी, इसको भी ओपन कर लेते हैं, इनको हम देखते हैं, ठीक हो गया। अब ये मैंने वेबसाइट निकाली जी, तीन, एक चेवी पे अवेलेबल है जी, कितने की मिल रही है, चेवी पे मिल रही है जी 16.99 की। अब वो कह रहे हैं कि अगर आप ऑटो शिप लगाते हैं तो आपको 5% डिस्काउंट मिलेगा, फिर मिलेगी आपको 16.14 की। क्या कह रहे हैं कि अगर, वैसे तो इसकी प्राइस है जी 16.9, ऑटो शिप का मतलब ये होता है आपने अपना कार्ड लगा के यहाँ से बाइंग की, कुछ टाइम बाद, 1 माह बाद, 2 माह बाद, वो आपकी ऑलरेडी खुद ही बाय हो जाएगी, उसको बोलते हैं हम ऑटो शिप या सब्सक्राइब, ठीक हो गया। सब्सक्राइब एंड सेव अगर यहाँ पे लिखा होता, ठीक है, सब्सक्राइब एंड सेव लिखा होता, या ये जो ऑटो शिप लिखा हुआ है, इसका मतलब है अगर आपने इस प्राइस पे बाय तो आपको हो जाएगा, लेकिन 1 माह बाद या 2 माह बाद आप ऑर्डर लगाएंगे नहीं तो भी आपका ऑर्डर लग जाएगा आपके कार्ड के थ्रू, ठीक हो गया, समझ आ गई इस चीज़ की। अच्छा जी, इसकी प्राइस हमें कितनी शो हो रही है जी, 16.99। अब जो और वेबसाइट्स हमने ओपन की थी उनको भी देखते हैं, मैंने VPN ऑन किया है, थोड़ी सी स्पीड स्लो हो जाएगी नेट की, क्योंकि VPN आप लोगों को पता है अच्छी खासी थोड़ी सी स्पीड लेता है। अच्छा, VPN ऑन किया, अब एक ये वेबसाइट थी जी मैंने जो ऑन की, सबसे पहले कहाँ से मैंने देखा इसको, JV.com, ये पेट सप्लाईज की एक वेबसाइट है, बहुत अच्छी वेबसाइट है, ऑथेंटिक वेबसाइट है। नेट थोड़ा स्लो हो गया हमारा, तो ज़रा वेट करें, चलिए तब तक कोई और वेबसाइट्स भी हम ओपन करते हैं। अच्छा, ये एक जी वेबसाइट यहाँ पे आई है जी, ये क्या नाम है इसका, JV के बाद मैंने ये ओपन की थी, उसके बाद मैंने पेट स्मार्ट एक ओपन की थी, ये भी ओपन नहीं हो रही, शायद नेट स्लो होने की वजह से। पेट स्मार्ट पे भी यही इतने की ही अवेलेबल है, ये देखें। अच्छा, जो अब हमने एक्सटेंशंस लगाई हुई है ना, मैं थोड़ा सा उनको बता दूं कि एक्सटेंशंस के क्या बेनिफिट होते हैं। अब ये देखें, ये लगी हुई है हमारी एक्सटेंशन सी नेट, ये जो लगी हुई है ना यहाँ पे एक्सटेंशन, कहाँ पे हमारी सी नेट, ये है, ये सी नेट बताती है कि ये जो प्रोडक्ट है ना, ये दूसरी वेबसाइट्स पे भी अवेलेबल हैं। मैं इसको ज़रा ना VPN को बंद कर दूँ, ताकि जो हमारी स्पीड है ना वो थोड़ी सी बहाल हो जाए, बहाल मतलब थोड़ी सी स्पीड तेज़ हो जाए हमारी सी। अच्छा, जो एक्सटेंशंस होती हैं ना, इनके काम ये होते हैं, ये आप लोगों को कूपन्स बताती हैं कि भाई यहाँ से बाय करो तो इतना ऑफ मिलेगा। अब ये देखें, ये बता रही है कि 1 of 17 कूपन्स सेव 5% ऑफ ऑन सेलेक्ट ऑर्डर, ये देखें कूपन्स बता रही है कि ये कूपन्स लगाएं जी, कैसे होगा, ये व्यू एंड कॉपी करेंगे तो ये कूपन नज़र आ जाएगा आपको, कूपन हमने लगाना होता है जब हम इसको एड टू कार्ट करते हैं, तो ये देखें ये सारे कूपन बता रही है आपको, ठीक है। ये कह रहे हैं जी, गेट 20% ऑफ ऑन योर फर्स्ट ऑर्डर ओवर 49 डॉलर्स, इससे अगर ज़्यादा का अगर आप बाय करेंगे तो आपको इतना ऑफ मिलेगा। चलें जी, अब ये हमारी ये वेबसाइट ओपन हो चुकी है, ब्रांड की अपनी वेबसाइट भी ओपन हो गई, देखें ब्रांड की वेबसाइट पे देखें और सस्ती मिल रही है हमें, कितनी मिल रही है जी, 14.99 की हमें ये प्रोडक्ट मिल रही है ब्रांड की अपनी वेबसाइट पे। अब आप लोगों ने चेक कर कैसे करना है कि जी क्या ये वही प्रोडक्ट है या नहीं, मैं आप लोगों को चेक करना बताता हूँ, ये देखें। अब हम आगे जी इनको कंपैरिजन करेंगे जी, इसके टाइटल को और इस प्रोडक्ट को। CHI ऑटोमेल डॉग शैम्पू, यही नाम है जी इसका, CHI फॉर डॉग्स ऑटोमेल शैम्पू फॉर ड्राइव, बिल्कुल यही नाम है। आगे क्या लिखा हुआ जी इसका, 16 ओजी बॉटल, ठीक है, अमेजोन पे क्या है जी 16 ओजी, बिल्कुल एक्यूरेट प्रोडक्ट है। आप इसकी पिक्चर को भी मैच कर लें, CHI फॉर डॉग्स, डॉग बना हुआ है, बिल्कुल ठीक है जी, ये देखिए CHI फॉर डॉग, बिल्कुल एग्जैक्ट प्रोडक्ट है, बिल्कुल एग्जैक्ट प्रोडक्ट है जी, ठीक है। यहाँ पे भी अब ब्रांड की वेबसाइट पे भी अगर देखूँ मैं, ब्रांड की वेबसाइट पे भी ये देखें
CHI ऑटोमल शैम्पू फॉर डॉग्स, ठीक है, मेरा नाम तो बिल्कुल क्लियर हो गया। अब मुझे ये कैसे पता चलेगा कि KR16 OZ यहाँ अमेजोन पे तो सेल आउट हो रही है? कैसे इसकी पढ़नी होती है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, वहां पे भी लिखा होता है, नहीं तो पिक्चर के ऊपर भी लिखा हुआ है। नजर आया किसी को 16FL OZ लिखा हुआ नजर आ रहा है पिक्चर प्रोडक्ट के ऊपर? ये देखें नीचे लिखा हुआ है 16FL OZ नजर आ रहा है आपको, मतलब कि ये प्रोडक्ट बिल्कुल सेम एज इट इज है जैसा कि अमेजोन पे सेल आउट हो रही है। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूं तो मैं आपको जो बोतल के ऊपर लिखा हुआ है वो सेम करके दिखाता हूं इधर और ब्रांड की तरफ। यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर नजर आ रहा है लेकिन होप्स हो कि आप लोगों को नजर आ रहा होगा अमेजोन की पिक्चर पे। ये देखिए 16FL OZ और आगे लिखा हुआ है 473 ml। आपको नजर आ रहा है क्या? आपको नजर आ रहा है ये जो नीचे लिखा हुआ है? ब्लर है लेकिन मुझे नजर आ रहा है 16FL OZ, आगे लिखा हुआ है 473 ml। क्या ब्रांड की वेबसाइट से यही मिल रहा है? क्या ब्रांड के पास यही है, सेम है? मिल गई, सेम प्रोडक्ट है, यही है ना जो अमेजोन पे लिखा हुआ है? सो क्यों रहे हैं काइंडली जरा चैट में बताएं, सोने आए हैं क्या? ओके चले जी, अब हमारी प्रोडक्ट हमें मिल गई, ठीक है, हमारी प्रोडक्ट हमें मिल गई। अब हम क्या, अब आप लोगों ने जो ये सारी वेबसाइट्स नजर आती है ना आपको, इन सारी वेबसाइट्स को आपने चेक करना, हो सकता है आपको इससे भी सस्ती कहीं पे मिल जाए, आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा, ठीक है। हो सकता है ये जो एक वॉलमार्ट है बहुत अच्छी ऑथेंटिक वेबसाइट है, ये देखें एक ये भी मैं ओपन करता हूँ, इन सबको मैं ओपन करके आप लोगों को दिखाता हूँ, हो सकता है इधर उधर से कहीं से और सस्ती हमें मिल जाए। उसको कैसे हम देखेंगे? हम सारों को ओपन करके देखेंगे तब हमें पता चलेगा कि वाकई ये तो कहीं और भी सस्ती, हमने पहले ही वेबसाइट पे बिलीव नहीं कर लेना, ठीक है। अभी तो सिर्फ मैं आप लोगों को सोर्सिंग करना बता रहा हूँ, एक दो लेक्चर के बाद आप लोगों को ये भी चेक करना बताऊंगा कि वेबसाइट की ऑथेंटिसिटी कैसे, क्या ये वाकई वेबसाइट ओरिजिनल है, हमारे पैसे तो नहीं खा जाएगी, उसको कैसे चेक करते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी सिर्फ आप सोर्सिंग पे फोकस करें। अच्छा स्टूडेंट्स, अब फिलहाल तो मेरे ख्याल में मुझे ब्रांड से ही ये मिल रही है $15 की, उसके अलावा मुझे फिलहाल तो कहीं और इससे सस्ती नजर नहीं आई, इसको मैं छोड़ देता हूँ जी। अच्छा उसके बाद यहाँ पे मिल रही है जी, यहाँ पे $17 की मिल रही है एक, ये भी हमने चेवी फाइंड किया था, चेवी पे भी कितने की मिल रही थी? चेवी पे भी $17 की ये मिल रही थी, ये देखें ये था चेवी, ठीक है। ये भी ये पेट सप्लाईज है, ये यहाँ पे सिर्फ पेट की सप्लाईज होती है ये chewy.com पे। चलें जी अब हम चलते हैं जी इसके प्रॉफिट कैलकुलेशन की तरफ, अब हम चलेंगे जी प्रॉफिट कैलकुलेशन की तरफ। कैसे करेंगे जी? हम जाएंगे जी अमेजोन FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर, FBA आप लोगों को सबको पता है, FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर क्या होता है सबको पता है क्या? आप लोगों को पता है FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर क्या है? मुझे चैट में आंसर चाहिए, अगर आप लोग सो रहे होंगे तो मैं फिर इधर ही छोड़ दूंगा, आप लोगों को नहीं बताऊंगा सीधा। ओके ओके अच्छा, ये हमारा जी FBA रेवेन्यू कैलकुल, सबसे पहले ये वाला अमेजोन सेलर सेंटर वाला हमने FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर ओपन किया। अब यहाँ पे हमने प्रॉफिट कैलकुलेट करना है कि हमें पर यूनिट कितना प्रॉफिट हो सकता है। कंटिन्यू एज गेस्ट करें। अब किस तरह प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे हम? इस प्रोडक्ट का एसिन उठाएंगे, एसिन कहाँ से मिलेगा हमें? जो एक्सटेंशन लगाइए यहाँ से भी मिल जाएगा, नीचे से भी मिल जाता है। इसका एसिन उठाया मैंने, उठाने के बाद मैंने क्या किया जी, यहाँ पे आके पेस्ट किया, इसको सर्च कर दिया। अच्छा अब यहाँ पे इसने प्राइस नहीं डाली, आपने वो प्राइस डालनी है जो FBA की लोएस्ट प्राइस होगी। अगर तो कुछ तो कभी तो ये डाल के दे देता, नहीं भी डालता तो आपने FBA की लोएस्ट प्राइस डालनी है। कौन सी प्राइस थी मैं आप लोगों को बताता हूँ जरा, FBA की लोएस्ट प्राइस क्या थी जी? ये सेलर्स है ना, इसके जो FBA की लोएस्ट प्राइस होगी ना, ये देखें कितनी है जी, 27, ठीक है। एक तो ये बेच रहा है ना, ये तो है भी FBA की लोएस्ट प्राइस क्या है जी? $27, $27 मैंने प्राइस पुट कर दी। जैसे मैंने प्राइस पुट की, अब इसने ऑटो फीसिस लगा दी है, ये देखें ये ऑटो फीसिस लगा दी है इस प्रोडक्ट के ऊपर, यही प्रोडक्ट थी हमारी। अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा जी, मैं लगाऊंगा अपनी कॉस्ट, कॉस्ट मुझे कितनी पड़ रही थी ब्रांड से, 14.99 कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यहाँ पे लगानी होती है, ठीक है, 14.99 मैंने कॉस्ट लगा दी, ठीक है। अब मैंने इसके अंदर ऐड करने होते हैं जी $2,
$2 क्यों ऐड करने होते हैं? ये होती है कि हो सकता है हमें वेबसाइट से स्टूडेंट्स, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? आपको मेरी आवाज़ आ रही है क्या? आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आपको आवाज़ आ रही है क्या? क्या आप क्लास में हैं? अच्छा, ओके ओके, थोड़ा सा नेट ब्रेक हुआ था। ऑल क्लियर। ओके अच्छा स्टूडेंट्स, दे देखें, अब यहाँ पे $2 मिसलिनियस कॉस्ट में डालने हो सकता है। ब्रांड की वेबसाइट से शिपिंग भी पड़ सकती है, ठीक है। हो सकता है हमें, आप लोगों को बता, ऑब्वियसली 3PL वाले जो होते हैं उन्होंने भी कॉस्ट लेनी होती है, अपने एक्सपेंस, अपने चार्जेस लेने होते हैं सर्विसेज के, जो उन्होंने इसकी लेबलिंग चेंज करनी होती है। क्योंकि अब क्या होगा जी, अब ये जो ब्रांड है ना, अगर यहाँ से बाय करेंगे ना, तो इसकी प्रोडक्ट्स के ऊपर जो बॉक्स आएगा उसके ऊपर बड़ा बड़ा लिखा होगा CHI, मतलब ब्रांड का नाम लिखा होगा। तो जहरी बात है, हमने अमेजोन पे ऐसे तो नहीं ना भेज देना। हमने क्या करना है, इसके ब्रांड की पैकेजिंग उतार के, अपनी पैकेजिंग क्रिएट करके वो 3PL है। 3PL वालों ने वो पैक वेयर हाउस में ले लेंगे, बेचेंगे सॉरी, और अपनी सर्विसेज के चार्जेस ले लेंगे। इसलिए हमने ओके अच्छा जी, समझ आ गई जी। यहाँ पे अब हमें यहाँ पे देखना है कि ये हमारी आ गई जी, ये हमें पड़ रही है कॉस्ट पर यूनिट। यहाँ 1 यूनिट आ रहा है, और हमें कितना हो रहा है प्रॉफिट या लॉस इस टाइम हमें हो रहा है, रेड कलर है इस पे हमें हो रहा है। अब एक सेकेंड, क्या रिपीट कर दूं जी, किस किस चीज़ का इशू है आपको, क्या रिपीट कर दूं मैं? वॉइस क्लियर हुई है? मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, अगर वॉइस क्लियर हुई है तो मैं रिपीट कर देता हूँ। अब मेरी आवाज़ आ रही है, अब मेरी आवाज़ आ रही है। अगर आप मेरी आवाज़ अच्छा, आवाज़ नहीं आ रही स्टूडेंट्स, आवाज़ नहीं आ रही, मेरे नेट का इशू है। अब मेरी आवाज़ क्लियर है, अब मेरी आवाज़ क्लियर है, अब आवाज आ रही है मेरी। इज माई वॉइस इज क्लियर्ड? ओके, इसका मतलब है मेरी वॉइस आप लोगों तक आ रही है। ओके ओके, अब जरा जरा स्टॉप कर दें, टाइम बिल्कुल शॉर्ट है। एक मैंने और तरीका बताना होता है प्रोडक्ट हंटिंग का, सॉरी सोर्सिंग का। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने आप लोगों को, एक तो मैंने डाल दी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, एक मैंने डाल दिया मिसलिनियस कॉस्ट। मिसलिनियस कॉस्ट में मैंने $2 इसलिए डाले हैं कि मुझे हो सकता है शिपिंग भी पड़ सकती है, ब्रांड की तरफ से ये शिपिंग भी चार्ज कर सकते हैं, हो सकता है मुझे टैक्स भी पड़ सकता है, और मेरे 3PL वालों ने भी सर्विसेज के चार्जेस लेने हैं पैकेजिंग करने के और अमेजोन के वेयर हाउस पहुंचाने में। तो जो $2 अगर हम डालते हैं तो इसमें हमारा सारा कुछ कवर हो जाता है। अब अक्सर औकात ऐसे होता है कि जिससे हम बाइंग करते हैं ना, वो शिपिंग भी नहीं लेते और वो टैक्स भी नहीं लेते। अक्सर औकात ज्यादातर लेते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा भी हो सकता है वो शिपिंग भी नहीं लेते, कभी कभार वो जो टैक्स लगता है स्टेट टैक्स लगता है वो भी नहीं लेते। स्टेट टैक्स का मतलब ये कि जैसे हमारे सूबे हैं ना, तो मैं पंजाब से अगर कराची भेजू ना सामान, तो मुझे स्टेट टैक्स पड़ेगा पंजाब टू कराची का, इस तरह उसको बोलते हैं स्टेट टैक्स। तो ये इसलिए हमने डालनी होती है जी। अब यहाँ पे मुझे प्रॉफिट क्या शो हो रहा है जी, लॉस में। लॉस में क्यों शो हो रहा है? एक तो यहाँ पे एक आपको कॉस्ट नजर आ रही है ना, यहाँ पे ये देखें 0.99, ये वो कॉस्ट है जो कि पर मंथ $40 वाली अकाउंट की नहीं है। अगर आपने ऐसा अकाउंट
बनाया हुआ है, जो आप चाहते हैं कि मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है या क्लाइंट का बिजनेस अच्छा चल रहा है, और ऑब्वियसली मजा भी उसी अकाउंट का होता है जो $40 वाला होता है। तो जो ये $1 कॉस्ट आ रही है, ये कॉस्ट नहीं पड़ेगी, ठीक है? तो फिर सिर्फ मंथ के $40 ही पे करने होंगे। तो ये जो कॉस्ट आ रही है, ये तब होती है जब आपने अकाउंट इंडिविजुअल किया होगा, $40 वाला नहीं, पर यूनिट वाला कॉस्ट होगा। अब जहरी बात है, ये तो कॉस्ट आपको एक्स्ट्रा ही पड़ रही है ना। अगर मैं इसी के अंदर इसको कम कर दूं, अगर मैं इसको वन कर दूं, तो मेरा प्रॉफिट में आ गया। अब मेरा प्रॉफिट में आ गया ना, देखें 0.54 मेरा प्रॉफिट आ गया, लेकिन ये भी बहुत कम है। मैंने ऐसी प्रोडक्ट ढूंढनी है जिसमें मुझे कम अज कम $3 प्रॉफिट हो रहा हो। तीन कैसे? अब यह देखिए, अगर इसकी प्राइस होती जी 25, अगर इसकी प्राइस होती 25, सॉरी 25 बोल रहा हूँ, इसकी प्राइस होती 30, मैं कर देता हूँ 30 होती है अगर इसकी सेल प्राइस। अब आप खुद देखिए मेरा प्रॉफिट कितना आ रहा है जी, $3, $3 हो रहा है। और जो जो नेट मार्जिन आ रहा है, ये 10% है, 10.30% है। अब हमने क्या करना होता है जी, हमने यहाँ पे ये प्रॉफिट जो आ रहा है, ये एक यूनिट का आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे बेचता हूँ अमेजोन के वेयर हाउस में इसके 20 यूनिट्स, अगर मैं 20 यूनिट्स बेचता हूँ, तो मुझे जो प्रॉफिट आ रहा है, ये 61.79 डॉलर प्रॉफिट आ रहा है 20 यूनिट्स का। कैलकुलेट करके दिखा दिया है उस FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर में। आपको इस 0.99 डॉलर वाले की समझ आ गई है? 0.99 डॉलर वाले की समझ आ गई है? ये जो 0.99 डॉलर होता है ना, ये हमारा होता है उस अकाउंट का जो हमने $40 वाला अकाउंट नहीं लिया होता। हम अमेजोन को, हमारा लगता है जी कि हम चाह रहे हैं कि हमारा अभी इतना बड़ा बिजनेस नहीं हुआ कि हम हर माह अमेजोन को $40 किराया दें, जिसको हम दुकान का किराया रेंट तो समझते हैं ना, दुकान का किराया जो रेंट होता है। हम नहीं चाह रहे कि हमारा बिजनेस अभी इतना बड़ा हो गया है, हम अमेजोन को हर माह $40, जो कि PKR में 12 से 13 हज़ार रुपया बनता है, हमारा बिजनेस ही अभी इतना नहीं है, और हम अमेजोन को $40 हर मंथ पे करें। अगर आप नहीं पे करना चाहते, तो आपका अकाउंट हो जाता है इंडिविजुअल, आप डाउनग्रेड कर देते हैं अकाउंट को, तब आप 40 यूनिट सेल आउट कर सकते हैं पर मंथ, 40 यूनिट्स। और 40 यूनिट्स पे अब पर यूनिट, आपको पर यूनिट जो होता है ना, वो एक पीस होता है। अगर आपका एक पीस निकलता है, तो आपको एक पीस के ऊपर $1 पे करना होता है अमेजोन को। अगर आप 30 यूनिट सेल करते हैं मंथ में, तो आपको $30 पे करने होंगे अमेजोन को पर यूनिट के हिसाब से। वो अलग से 30 नहीं पे करने होंगे, जैसे आपको सेल आएगी, आपका यूनिट निकलेगा, अमेजोन आपसे $1 तो ये तो चार्ज कर लेगा, लेकिन जो ये है, ये FBA रेफरल फीस होती है, ये आपने लाजमी पे करनी ही करनी होती है। अब समझ आ गई इसकी? अब इस $1 की समझ आ गई? अब आप लोगों को लगने लग गया है जी कि मेरा बिजनेस अच्छा हो गया है, मैं इस अकाउंट को अपग्रेड कर लेता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मेरा बिजनेस इतना अच्छा हो गया है, मैं मंथ में 100 से 200 $300 अर्न कर सकता हूँ, तो मुझे ये फी पे नहीं करनी, ये वाली जो $1 है पर यूनिट वाली फी नहीं पे करनी, मैं अकाउंट को कर लूंगा अपग्रेड। अपग्रेड करने में और डाउनग्रेड करने में 1 मिनट लगता है। अपग्रेड कर दूंगा तो मेरा अकाउंट क्या होगा, मुझे $40 पे करने होंगे हर मंथ, ठीक है? और $40 अगर मैं पे करूंगा, तो मेरी यूनिट सेल आउट करने की अनलिमिटेड हो जाएगी। मैं जितने मर्जी यूनिट सेल आउट करूं पर मंथ, मुझे सिर्फ $40 ही पे करने होंगे। ये FBA फीसिस तो एक और चीज है ना, ये तो और चीज है, ये तो अमेजोन ने वो फीसिस लेनी है अपना कमीशन, और अमेजोन ने वो लेना है अपना क्या नाम, FBA जो कस्टमर तक शिप करने की फीसिस। समझ आ गई स्टूडेंट यहाँ पे? अब यहाँ पे क्लियर हो गया आपको? इस तरह हम कैलकुलेट करते हैं जी अपना प्रॉफिट। अब चलते हैं जी, एक और तरीका बताता हूँ आपको सोर्सिंग फाइंड आउट करने का। वो तरीका क्या है जी, हमारे पास टाइम बिल्कुल शॉर्ट है, मैं जल्दी से बता के इसको वाइंड अप करता हूँ। वो तरीका ये है जी, आप लोगों ने सबसे पहले, मैं इन सबको ज़रा क्लोज कर देता हूँ, इन सबको क्लोज करके सिर्फ FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर ओपन करता हूँ। सबसे पहले VPN ऑन करना है। VPN ऑन करके, मेरा VPN ऑन हो गया, लोकेशन तो मेरी ऑलरेडी ही वो लगी होगी। अब मैंने इस पिक्चर पे आना है, ये जो पिक्चर है ना अमेजोन की, इस पिक्चर पे आना है, इस पे मैंने करना है राइट क्लिक। मैंने राइट क्लिक किया माउस का, या फिर जो हमारा टच पैड होता है लैपटॉप का, क्लिक करने के बाद सर्च विद इमेज विद गूगल करना है, सर्च इमेज विद गूगल, इस पे क्लिक करना है। अब इस पे क्लिक करने के बाद मुझे वो वाली वेबसाइट्स, वो वाली दिखाने लग जाएगा गूगल, जहाँ पे ये प्रोडक्ट अवेलेबल होगी अमेरिका के अंदर, ठीक है? VPN लगा हुआ है, इस वजह थोड़ी सी स्पीड स्लो है। देखिए अब मेरा वैसे भी नेट थोड़ा सा स्लो है, ये देखें। अब ये जो नीचे वेबसाइट्स आ रही है ना, ये देखें, ये देखें, वही वेबसाइट है ना, ब्रांड की वेबसाइट आ गई है, इतने की मेरी है,
इस तरह मुझे दोनों तरीकों से प्रोडक्ट को ढूंढना है। अब इसको मैं क्या करूंगा जी, बारी बारी ओपन करूंगा, अमेजोन वाली नहीं ओपन करनी, ये जो चेवी है मैं ऐसे इन सारी को ओपन करूंगा, ठीक है। ओपन करने के बाद मैं इनको बारी बारी देखूंगा, ठीक है। ये देखें, बेतहाशा वेबसाइट आ जाती हैं, आप लोगों ने प्रोडक्ट्स ढूंढनी है, प्रोडक्ट ढूंढते टाइम लगता है लेकिन मिल जाती हैं। ये देखें, ये जो सारी वेबसाइट, ये जो देखें पिक्चर्स के साथ आई है, ये देखें ये यहाँ पे कितने की मिल रही है, ये देखें यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। मैं ज़रा वीपीएन भी क्लोज कर दूँ अब, और आप लोगों का टाइम बिल्कुल शॉर्ट हो चुका है, टाइम हमारे पास बिल्कुल शॉर्ट है। स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई है ना, सेकंड तरीका हमारा क्या है, सेकंड तरीका हमारा ये है, हमने क्या करना है जी, हमने वीपीएन ऑन करना है। वीपीएन ऑन करने के बाद हमने इसके जो अमेजोन की पिक्चर होगी उस पिक्चर पे आके राइट क्लिक करना है, सर्च विद, सर्च इमेज विद गूगल करना है। जैसे आप सर्च इमेज विद गूगल करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस ओपन होगा, ये जो राइट साइड पे शो हो रहा है आपको। अब ये सारी वेबसाइट्स आ रही हैं, ये देख रहे हैं आप, अब इन सारी वेबसाइट्स को आप ओपन करें। नेक्स्ट टैब के अंदर ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, इनको बारी बारी देखना है, टाइम हमारे पास बिल्कुल शॉर्ट हो चुका है। इस तरह आप लोगों ने प्रोडक्ट्स को ढूंढना है, ठीक है, ढूंढ कर आप लोगों ने प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। अच्छा, अब असाइनमेंट क्या है आप लोगों की, असाइनमेंट ये है कि आप लोगों ने 5 प्रोडक्ट्स ऐसी ढूंढनी है, उनकी प्रोडक्ट की सोर्सिंग और प्रोडक्ट की, अभी मैं आप लोगों को शीट क्रिएट करके देता लेकिन टाइम शॉर्ट है, मैं ग्रुप में आप लोगों को ना बता दूंगा। एक शीट क्रिएट करनी है आप लोगों ने, ठीक है। शीट क्रिएट करने के अंदर आप लोग